नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। तो एक्सचेंज रेट तो आपको पता ही है कि जो हम अपनी कंट्री से कोई बाहर देश की कंट्री में अगर कोई भी चीज़ का लेन देन करते हैं तो उसके लिए एक रेट फिक्स, जैसे कि करेंसी फिक्स होती है, ठीक है ना, कि किस करेंसी में। क्योंकि देखिए, इंडिया का जैसे रुपीस है, ठीक है, वैसे ही कहीं का डॉलर, कहीं का यान, कहीं का पौंड, इस तरह अलग अलग जो होती है करेंसी होती है। तो इनको क्या ना मेजर करना मुश्किल है, तो इसलिए एक करेंसी मान लिया जाता है। तो उसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, उसी करेंसी की वैल्यू से ही एक्सचेंज करते अपने गुड्स एंड सर्विसेज को। तो क्या होता था, अब हम बात कर रहे हैं क्या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रिटेन वुड सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस तरह से एक्सचेंज होता था सामान को। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या था कि इनका जो एक्सचेंज का मीडियम क्या होता था कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो होता था वही एक्सचेंज का मीडियम होता था। लेकिन वही ब्रिटेन वुड में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉमन करेंसी ले लिया गया, ठीक है, कॉमन करेंसी जो है यूज किया गया कि जो भी हम एक्सचेंज करेंगे तो हम एक कॉमन करेंसी ले लेंगे और यहाँ पर गोल्ड ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अभी जो है गोल्ड हटा नहीं था, तो गोल्ड यहाँ पर था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी हम साथ ही साथ क्या, इसे हम क्या कहते हैं, मिंट पैरिटी या फिर मिंट पार वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, मिंट पैरिटी या मिंट पार वैल्यू कहते हैं। इसे हम क्या कहते थे, एडजस्टेबल पेग सिस्टम, ठीक है, यह है एडजस्टेबल पेग सिस्टम, सॉरी पेग, जी पेग सिस्टम, ठीक है। तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, गोल्ड था इनका मीडियम, यहाँ पर कॉमन करेंसी है और इसे मिंट पैरिटी या फिर मिंट पार वैल्यू कहा जाता था एक्सचेंज रेट, और ये था एडजस्टेबल पेग सिस्टम एक्सचेंज रेट। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से एक्सचेंज होता था। अभी मान लीजिए एक डॉलर, ठीक है, एक डॉलर में क्या होता था, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, फिक्स क्या किया था कि एक डॉलर में आपको 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगी, ठीक है। और वहीं पर अगर हम ₹1 की बात करते हैं तो उसमें कितने वैल्यू होती थी, उसमें 2 ग्राम ऑफ गोल्ड होती थी, ठीक है। तो अभी देखिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ एक्सचेंज करना है ना, अभी डॉलर में अगर किसी चीज़ से आपको इंपोर्ट करवाना है तो अभी क्या होगा, आप यहाँ पर ₹1 में कितने ग्राम आते थे, 2 ग्राम आते थे, ठीक है। अगर आपको $1 का चीज़ आपको खरीदना है तो आपको कितना यहाँ पर देना पड़ेगा, ₹2 देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, $1। तो ये हो गया हमारा क्या, ये सिस्टम था कि डॉलर गोल्ड को जो है मीडियम रखा जाता था एक्सचेंज का, कि हम इसके ऊपर वैल्यू करके ही हम रुपीस और डॉलर को हम कन्वर्ट करेंगे। तो मेन सिस्टम क्या होता था, गोल्ड, कि हमें गोल्ड की वैल्यू से, अगर हमारी ₹1 में 2 ग्राम गोल्ड आती थी तो हमें अगर उसका कीमत 4 ग्राम गोल्ड के बराबर देना है तो हम क्या करेंगे, $1 देना तो हम 4 ग्राम गोल्ड के हिसाब से उनको हम देंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू जो था 2 ग्राम ऑफ गोल्ड था, ठीक है, ₹1 में मैं 2 ग्राम, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता रहा। तो 2 ग्राम गोल्ड मिलता, अगर 4 ग्राम ऑफ गोल्ड उसकी वैल्यू है तो हमें कितने देने पड़ेंगे, ₹2, ठीक है, ₹2 हमें देने पड़ेंगे, तभी उनका $1 के बराबर होगा हमारा। सेम यहाँ पर भी वही हुआ था, इसका भी एग्जाम्पल इसी तरह है। अभी मान लीजिए वन पाउंड में मिलता है आपको 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो क्या होगा, 1 पाउंड में आपको मिला 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, और 1 पाउंड इक्वल टू, 1 पाउंड इक्वल टू क्या होगा, $2 मान के चलिए, $2, $1 इक्वल टू फिर क्या होगा, 1 पाउंड इक्वल टू $2, तो $1 इक्वल टू क्या होगा, कम हो जाएगा गोल्ड हमारा, $1 इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा, हमारा रेट था $1 में था 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो अभी अगर हमको 1 पाउंड का करना है तो हमें कितने डॉलर देने पड़ेंगे, 1 पाउंड के हिसाब से अगर हमें पे करने हैं तो हमें कितने देने पड़ेंगे $2 देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे $1 में तो 2 ग्राम ही गोल्ड आता है,
लेकिन हमें एक पौंड पे करना है तो हमें कितने डॉलर देने पड़ेंगे, 1 डॉलर में 2 ग्राम है तो हमें यानी कि 2 डॉलर देने पड़ेंगे, हमारा तो 2 ग्राम ही गोल्ड आ रहा है यहाँ पर 1 डॉलर में। तो आखिर में ये भी क्या होता था, गोल्ड से ही रिलेट होते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर दिया जाता था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एडजस्टेबल पेग सिस्टम। और 1977 में क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये सिस्टम जो है एलिमिनेट हो गया 1977 में। इसके बाद क्या आ गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया, जब हम आपको आगे बताएंगे। बाद में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया जो कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। तो ये जो था एडजस्टेबल था, इसमें एडजस्ट किया जा सकता था, यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं था, ठीक है। इनको जो था, जो मेजरमेंट था उसी हिसाब से देना था, और इसको एडजस्ट कर सकते थे कि कभी जैसे किसी कंट्री के साथ जो भी इनको अगर लगता था कि थोड़ा कम बेसी कर देना, तो एडजस्टेबल था। जो ब्रिटेन वुड सिस्टम में जो था कॉमन करेंसी यूज किया गया, और ये एडजस्टेबल पैक सिस्टम है। और यहाँ पर क्या कि गोल्ड जो था इनका स्टैंडर्ड था, और इसे मिंट पैरिटी या मिंट पार वैल्यू कहते हैं आपको। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।